दिल्ली एनसीआर में बलात्कार की ताबड़तोड़ घटनाओं से हाहाकार। गुड़गांव में कॉल सेंटर में काम करने वाली लड़की से गैंगरेप। पिछले 24 घंटों में बलात्कार के 8 मामले उजागर। दिल्ली के पॉश इलाके बसंत कुंज में महिला से गैंगरेप का मामला। पीड़ित के मुताबिक 3 लोगों ने बनाया हवस का शिकार। पुलिस ने तीनों को किया गिरफ्तार। दिल्ली के रोहिणी में 15 साल की नाबालिग बनी सिलसिलेवार रेप का शिकार। बिहार से घरेलू नौकरानी के तौर पर लाई गई थी लड़की। पति पत्नी गिरफ्तार। दिल्ली के आनंद विहार इलाके में 8 साल की मासूम से बलात्कार। घर के पास खेल रही बच्ची को बाइक पर उठाकर ले गए थे बदमाश। आरोपी फरार। ग्रेटर नोएडा में चलती कार में लड़की से रेप। वारदात के बाद सड़क पर फेंक कर फरार हुए बदमाश। गाजियाबाद में महिला के साथ गैंगरेप के इंदिरापुरम से ऑटो रिक्शा में किया अगवा। डासना इलाके में ले जाकर 3 लोगों ने किया सामूहिक बलात्कार। दिल्ली के जनकपुरी में बदमाशों ने हेड कांस्टेबल को मारी गोली। अपराधियों की तलाश में छापा मारने गई थी पुलिस। मुठभेड़ के दौरान धरा गया एक बदमाश। गुड़गांव में एक शख्स पर दोस्त के साथ मिलकर पिता की हत्या का इल्जाम। प्रॉपर्टी विवाद में मारी गोली। दोनों आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली के कुंडली में एक पति पत्नी ने नहर में कूद कर की आत्महत्या। बच्चे का इलाज को लेकर थे परेशान। दिल्ली के करावल नगर में पति पर पत्नी को जिंदा जलाने का आरोप। बेटी ने कहा पापा ने मां को जलाया। पेशे से डॉक्टर है आरोपी पति। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर पत्थर खदान आवंटन में घोटाले का आरोप। नियम बदलकर अपनों को फायदा पहुंचाने का इल्जाम। मुख्यमंत्री गहलोत ने आरोपों को बताया निराधार। कहा किसी नजदीकी को नहीं पहुंचाया फायदा, चाहे जिस एजेंसी से करा ली जाए जांच। हेलीकॉप्टर डील घोटाले में आज सीबीआई फिर करेगी पूर्व वायुसेना अध्यक्ष से पूछताछ। कल भी एसपी त्यागी और उनके भाइयों से हुआ था सवाल जवाब। यूपी में डीएसपी हत्या मामले की जांच के लिए तैयार सीबीआई। आज से शुरू हो सकती है तफ्तीश। दर्ज हो सकती है 4 एफआईआर। बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश पुलिस पर उठाए सवाल। कहा मुझसे हुआ अपराधियों जैसा व्यवहार। अंबेडकर नगर थाने जाने के शक में गाजियाबाद में रोके गए थे योगी। भोपाल में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बिल्डिंग में आग। धुएं से भरा इलाका। आग बुझाने की कोशिश जारी। वजह का फिलहाल कोई पता नहीं। भोपाल में पीसीएस का इम्तिहान पास कराने वाले गिरोह का भंडाफोड़। इंदौर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर समेत 5 गिरफ्तार। पुलिस ने कहा हाईटेक तरीके से करवाते थे नकल। पीसीएस परीक्षा पास कराने का दावा करता था ये गिरोह। यूपी का रहने वाला है गिरोह का सरगना। मेडिकल और इंजीनियरिंग प्रतियोगिताओं में भी कराता था नकल। आईएएस बनने के लिए देना होगा ईमानदारी और नैतिकता का टेस्ट। यूपीएससी ने बदला परीक्षा का मॉडल। मुख्य परीक्षा में अलग से होगा पेपर। शिवसेना ने यूपीएससी परीक्षा में भी घुसाई भाषा की सियासत। संजय राउत बोले मराठी में भी वो इम्तिहान। मांग ना मानने पर महाराष्ट्र परीक्षा रोकने की चेतावनी। रिटेल में एफडीआई के खिलाफ आज दिल्ली के कारोबारियों का हल्ला बोल। रामलीला मैदान में व्यापारियों का आना शुरू। बीजेपी ने किया व्यापारियों का समर्थन। व्यापारियों के आह्वान पर दिल्ली के ज्यादातर बाजार बंद रखने की अपील। लेकिन बंद का दिख रहा है मिला जुला असर। बंद में शामिल नहीं है पुरानी दिल्ली का सदर बाजार।
कॉन्ट्रैक्ट टीचरों ने आज बुलाया बिहार बंद। पटना में प्रदर्शन के दौरान पुलिस का लाठीचार्ज का विरोध। दिल्ली में मेट्रो ट्रेन मुसाफिरों ने फिर झेली मुसीबत। द्वारका से नोएडा और वैशाली रूट पर कुछ देर के लिए थमे मेट्रो के पहिए, सिग्नल फेल होने से आई दिक्कत। कश्मीर में श्रीनगर के सात थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगाकर दूसरे दिन लगातार कर्फ्यू अब जारी। सोपोर और त्रिगाम में भी लगा है कर्फ्यू। बारामूला में सेना की फायरिंग में नौजवान की मौत के बाद भड़का है तनाव। जम्मू कश्मीर विधानसभा में आज फिर हंगामा। बॉर्डर के नजदीक जमीन अधिग्रहण के खिलाफ बीजेपी और पैंथर्स पार्टी का विरोध। आम आदमी का काम निपटाने में देरी करने वाले सरकारी बाबुओं पर कसेगी लगाम। एसेंशियल सर्विसेज एंड ग्रीवांस बिल को मिली कैबिनेट की मंजूरी। एंटी रेप लॉ पर सरकार सहमति नहीं बन पाने की वजह से आज कैबिनेट में नहीं हुई चर्चा। मंत्रिमंडल की अगली बैठक में हो सकती है बिल पर माथापच्ची। दिल्ली में जेडीयू सांसद जय नारायण निषाद के आवास पर नरेंद्र मोदी के लिए यज्ञ हवन का आयोजन। बीजेपी ने कहा बदलाव चाहती है देश की जनता। यज्ञ के आयोजन पर जेडीयू ने जताई हैरानी। साबिर अली ने कहा 90 साल के हो चुके हैं जय नारायण निषाद, इस उम्र में ना जाने क्या सोचकर करवा रहे हैं यज्ञ। मोदी के दिल्ली मार्च के लिए रास्ता तैयार। पार्टी के संसदीय बोर्ड में शामिल होंगे गुजरात के मुख्यमंत्री, आज तक की एक्सक्लूसिव खबर। राजनाथ की नई टीम में मोदी के खासम खास अमित शाह भी हो सकते हैं शामिल। वरुण गांधी को भी मिल सकती है जगह। उमा भारती को दी जा सकती है अहम जिम्मेदारी। मुरलीधर राव की भी टीम राजनाथ में हो सकती है एंट्री। पीएम पद के लिए 43% लोगों की पसंद है मोदी। इप्सोस ने मोदी और राहुल के बीच करवाया सर्वे, ज्यादातर पुरुषों ने मोदी का किया समर्थन। सर्वे में राहुल गांधी पीएम पद के लिए दूसरी पसंद, पुरुषों से ज्यादा महिलाओं ने राहुल को बताया बेहतर। मुंबई के महालक्ष्मी में एक बार पर पुलिस की छापेमारी, 52 लड़कियों को छुड़ाया गया। मुंबई के बांद्रा की झुग्गियों में लगी भीषण आग, 50 से ज्यादा झुग्गियां जलकर खाक, लोगों ने भागकर बचाई जान। शॉर्ट सर्किट से आग का शक, आग बुझाने में जुटी दमकल 20 से ज्यादा गाड़ियां, कई घंटों की मशक्कत के बाद पाया काबू। लखनऊ में एक निर्माणाधीन शॉपिंग मॉल में आग से नुकसान, कंप्यूटर स्टोर में लगी आग, पुलिस कर रही है कारणों की जांच। लखनऊ के इंदिरा नगर में पुलिस से तंग आकर एक युवक ने की खुदकुशी, छेड़खानी के आरोप में हुई गिरफ्तारी, पुलिस पर थाने में पिटाई का आरोप। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के आखिरी दो टेस्ट के लिए आज टीम इंडिया का ऐलान। वीरू के खराब फॉर्म ने बढ़ाई चयनकर्ताओं की सिरदर्दी। पूर्व कप्तान राहुल द्रविड़ ने कहा सहवाग को लेकर गंभीरता से सोचे चयनकर्ता, बोले वीरू को मिडिल ऑर्डर में आजमा कर देखें। कंगारुओं को पस्त करने के बाद रांची पहुंचे कप्तान धोनी, एयरपोर्ट से बाहर निकलते वक्त एक नन्हे फैन के साथ खिंचाई तस्वीर। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान गावस्कर हुए धोनी के मुरीद, कहा इंग्लैंड से हारने के बाद कप्तानी में आया बदलाव, 2019 कप्तान बने रहे माही। हैदराबाद में मिली करारी हार के बाद मोहाली पहुंची ऑस्ट्रेलियाई टीम, कप्तान क्लार्क ने टीम से कहा अब आराम हराम है।
अमेरिका के मध्य पश्चिमी हिस्से में भारी बर्फबारी, सड़क हवाई यातायात ठप, फसलों पर बुरा असर पड़ने की आशंका। बारिश और बर्फबारी के पूर्वानुमान के बाद बंद रहा वॉशिंगटन, लेकिन कुदरत को आया रहम, 12 से इंच तक हुई बर्फबारी। इटली के माउंट एटना ज्वालामुखी में विस्फोट, धुएं और राख के गुबार से ढका सिसिली का आसमान। यूरोप का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है माउंट एटना। मिस्र के पोर्ट सईद में सेना और विद्रोहियों के बीच जारी हिंसा, पिछले 4 दिनों में 6 लोगों की मौत, सैकड़ों घायल। बांग्लादेश में थम नहीं रहा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, ढाका में पुलिस प्रदर्शनकारियों के बीच भिड़ंत, पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले।